अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो बात ये थी कि आज था हमारा ऋषि पंचमी का व्रत, इसलिए हमें सप्तऋषियों की पूजा करने के पश्चात इनका विसर्जन करने जाना था नदी में। तो सुबह सुबह मैं स्नान करके अपना साजो श्रृंगार पूर्ण कर लेती हूँ और तभी हमारे घर में आगमन होता है मेरे मामा मामी का। इनसे कई देर तक वार्तालाप करने के पश्चात हम इन्हें कह देते हैं बाय और मंदबुद्धि के कांस्य पदक जैसे चेहरे को देखते हुए हम चल देते हैं मंदिर की ओर। और मंदिर पहुँचते ही पता चलता है कि पूजा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, इसलिए हम भी टीका लगाकर बैठ जाते हैं पूजा में। फिर समय आता है विसर्जन करने का, इसलिए मेरी सहेली गौरा शिव गणेश की मूर्ति, मैं ये गंगा जल का कलश और गांव की महिला सप्तऋषियों को लेकर चल देते हैं विसर्जन करने। तो जंगल को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं नदी के किनारे और यहां भी पूजा पाठ करने के पश्चात हम सप्तऋषियों का विसर्जन करने लगते हैं। तभी मेरी नजर जाती है यहां पर उपस्थित सभी महिलाओं पर जिन्होंने साड़ी और सूट पहना था, केवल मुझे छोड़कर, परंतु मैंने भी दो नए सूट खरीदे थे जो मैंने तीज और गणेश चतुर्थी में पहन लिए और अन्य पुराने सूट मुझे फिट नहीं आ रहे। अब इसका पछतावा मुझे जीवन भर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।